हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया है? तो ये कुल 7 लोगों की थी। ओके, 7 लोगों की पीठ थी। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड? तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है हमारा प्यारा भारत, और फर्स्ट नंबर पे है चाइना। फॉर्म मिन चिन किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हैं? फॉर्म मिन चिन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ कम ऑन अ 3-डे विजिट टू इंडिया? तो ये हैं कहाँ के? वियतनाम के। 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? हु इंट्रोड्यूस द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 इन लोकसभा ऑन 1 अगस्त 2024? तो ये नित्यानंद राय के द्वारा किया गया है। सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द फर्स्ट वर्जन ऑफ सुविधा सॉफ्टवेयर? तो सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? हाउ लॉन्ग इज वर्ल्ड ब्रीडफिस्टिंग वीक सेलिब्रेटेड? तो ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर इज द स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑन इपोक इंडिया म्यूजियम ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। आंसर इज डी। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द मल्टी नेशनल एरियल एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? तो ये कर रहा है हमारा प्यारा भारत। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला है? कौन सा भारतीय स्टार्टअप बन गया है? रैपिडो हैज़ बिकम विच इंडियन स्टार्टअप टू बिकम ए यूनिकॉर्न दिस ईयर? तो यूनिकॉर्न किसको कहा जाता है जब साल भर की 1400 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू हो जाता है साल भर का, तो उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। और ये रैपिडो जो है ये 3rd नंबर का है। आंसर इज सी। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डॉक टिकट किस देश ने जारी किया है? विच कंट्री हैज़ रिलीज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प बेस्ड ऑन लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या? तो ये किया गया है लाओस के द्वारा। आंसर इज बी। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता, उनके संबंध किस खेल से है? स्वप्निल कुसाले वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक 2024, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है शूटिंग से, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में इन्होंने जीता है। हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक के नए MD कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू MD ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक? तो ये नए MD बने हैं संजय शुक्ला। हाल ही में किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑनररी एम्बेसडर ऑफ कोरिया टूरिज्म फॉर 2024? तो ये नियुक्त किया गया है आनंद कुमार को। सुपर 30 के संस्थापक हैं ये आनंद कुमार। हाल ही में अंशुमान गायकवाड का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? अंशुमान गायकवाड पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये रिलेटेड थे क्रिकेट से, और 71 वर्ष की उम्र में अभी इनका निधन हो गया, और इनकी आत्मकथा का नाम है गट्स एमिट ब्लड ब्लॉट। ये इनकी आत्मकथा का नाम है, और इन्हें द ग्रेट वॉल भी कहा जाता है।
हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस कब मनाया जाता गया? व्हेन इज नेशनल माउंटेनियर डे सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया गया 1 अगस्त को। आंसर इज डी। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित होगा? वेयर विल द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बी हेल्ड इन 2024? तो ये होगा कहाँ पे? नई दिल्ली में। आंसर इज ए। व्हाट हैज द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ जगन्नाथ विधा कनुका स्कीम टू? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है सर्वपल्ली राधाकृष्ण विद्या। हाल ही में असम राइफल्स के नए डीजी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डीजी ऑफ असम राइफल? तो नए डीजी बने हैं असम राइफल के विकास लखेरा। आंसर इज बी। कौन सा बैंक भारत का शहरी स्वच्छता बढ़ाने के लिए $200 मिलियन का ऋण देगा? Which bank will give $200 million loan to India to enhance urban sanitation? तो ये बैंक है ADB, Asian Development Bank। हाल ही में देश का पहला 3D printed स्कूल किस राज्य में खोला गया है? In which state has the country's first 3D printed school been opened? तो ये स्कूल है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। आंसर इज ए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.